बुधवार को दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला ने गेटी थिएटर में अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया, जिसमें शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी का बेहतर निर्माण हो सके। स्कूलों में वर्ष भर की गई मेहनत का परिणाम पाने के लिए बच्चे काफी उत्साहित रहते हैं और उन्हें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का इंतजार रहता है। बच्चों को सम्मानित करने व उनकी हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल द्वारा बुधवार को अपने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी का बेहतर निर्माण हो सके। उन्होंने बताया कि संस्कार, संस्कृति व नैतिक शिक्षा की बदौलत ही भारत विश्व गुरु बना था, जिसे आज संजोए रखने की आवश्यकता है। बच्चों ने जो है वो अपने विभिन्न प्रकार की जो है वो गतिविधियों के द्वारा और जो भी संगीत के शिक्षक या कोरियोग्राफर ने संदेश देने का प्रयत्न किया है, वो हिंदुस्तान की, इस भारत की प्राचीन संस्कृति से लेकर के आधुनिक काल तक सबका समन्वय करके जो है वो बनाया गया है। यहां भी जैसा बताया गया कि शिक्षा के कारण ही मानव जो है प्राणी जगत से अलग है, वरना बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि सभी जो है लिविंग बींग्स होते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी लिविंग बींग्स हैं, प्राणी भी हैं। जंगलों में प्राणी रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है, हाथी रहते हैं, अजगर रहते हैं, समुद्र में मगरमच्छ रहते हैं। मानव से कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है वो, लेकिन मानव जो है वो उन सभी प्रकृति में जितने भी प्राणी हुए हैं, चाहे कितना ही खूंखार क्यों ना हो, उन सबके ऊपर जो है वो काबू पा सकता है। दुनिया में जो है प्राणी ही एक ऐसा अलग श्रेणी में आता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि मैन इज ए रैशनल एनिमल। दयानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा ने बताया कि इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक उचित मंच प्रदान होता है। टुडे वी आर ऑर्गेनाइज्ड, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2019 एंड ऑनरेबल श्री सुरेश भारद्वाज जी हैज कम हियर एज अ चीफ गेस्ट, एंड इसमें हमने अपने जो मेधावी बच्चे हैं उनको सम्मानित करवाया है सबसे, और एक नृत्य नाटिका यात्रा के माध्यम से शिक्षा के सबूतों को अभिभावकों और बच्चों के बीच में लाने का प्रयास किया है। इसका पर्पस ये रहता है कि जो बच्चों ने पूरा साल बहुत अच्छी मेहनत की होती है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, और जो उन्होंने मेहनत करके अपना अपनी गतिविधियों में उन्होंने अपना हिस्सा पाया है, उसमें उनको सम्मानित किया जाए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई क्रांति पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया। शिक्षा ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले, गुरुजनों का आदर, माता पिता का सम्मान, प्रकृति से प्रेम, अतिथियों का सत्कार, सुसंस्कार से ओतप्रोत जो हमें वैदिक संस्कृति ने।
कार्यक्रम के अंत में शिक्षा मंत्री ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।